ईद कुर्बान पर सजे घर घर दस्तरखान, कढ़ाई गोश्त पुलाव और बिरयानी ने बढ़ाई शान। नित नए खानों से घर वालों और मेहमानों के तवाजो, मीठे में शीर खोरमा, सवैयाँ और खीर का भी अहतमाम। रात को होगी बारबेक्यू और टिक्का पार्टी, बाहर घूमने का प्लान भी बना लिया। ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी, कहीं बकरे कहीं बैल और कहीं ऊँट, हज़ारों की तादाद में जानवर ज़िबा। जामिया नईमिया में इज्तिमाई कुर्बानी, मुस्तहकीन और मस्कीनों तक गोश्त की तकसीम, किसी ने कुर्बानी कर ली तो किसी को कसाई की तलाश। ईद की खुशियाँ, ईद के रंग, लाहौर रंग के संग ईद एसार मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। शहर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तमात के रूप परवर मनाजिर, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं, लाहौर रंग की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। ईद कुर्बान पर शहर को आलाइशों से पाक करने का मिशन वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से वॉल्टन कैंट में कंप्लेंट सेल कायम कर दिया गया। सीईओ वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का कहना है, शिकायत सेल में 2000 वर्कर्स फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बड़ी ईद पर सफाई के भी बड़े इंतजामात, वजीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक का लिबर्टी गोल चक्कर पर LWMC कैंप का दौरा किया गया। मावन खसूसी वजीर आला ज़िशान मलिक के हमरा सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन LWMC ने मुलाजमीन को ईदी भी दी। ईद की छुट्टियों में वासा लाहौर का अमला अवामी खिदमत में मसरूफ, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का वासा कंट्रोल रूम का दौरा किया गया। शहबाज अहमद और गुफरान अहमद ने वासा स्टाफ को ईद की मुबारकबाद दी और मिठाई तकसीम की। DG LDA ताहर फारूक का वासा हेड ऑफिस का दौरा, एंटी वासा गुफरान अहमद ने ईद और मानसून की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। DG LDA ने शिकायत सेल सेंटर गुलबर्ग टाउन की वर्किंग का जायजा भी लिया। बड़ी अपनायत से जो है वो मेरे साथ पंजाब के हवाले से भी मुकम्मल बातचीत की और वफाक के हवाले से भी। कोलेशन गवर्नमेंट है, पहला बजट है, नई नई शुरुआत है, इसमें ज़रा यकीनन जो प्रॉपर एक सेटअप है आपस में पीपल्स पार्टी और नून का, वो अभी प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, जिसकी वजह से मामूली गिले शिकवे जो हैं वो ज़रूर होते हैं। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद मुझे ये बड़ी होप है कि इंशाल्लाह ये थोड़ी सी जो आपस में एक आप कहें कि गैप है थोड़ा सा बातचीत का, वो अब इंशाल्लाह ख़त्म होगा। ईद की खुशियां सब के संग मनाने का मिशन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की SOS मिली चामद हुई। गवर्नर ने यतीम बच्चों के साथ ईद मनाई और तहाइफ तकसीम की, केक भी काटा। गवर्नर का SOS विलेज के बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान, कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत का फुकदान है, विफाक में पीपल्स पार्टी के तहफ़ात दूर हो चुके। दुआ है कि अल्लाह ताला कुर्बानियों के सदके उम्मत मुसलमा की हर मुश्किल टाल दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद, कहा अख़ुवत एसार मोहब्बत और इखलास से ज़रूरतमंदों की मदद करें, अल्लाह ताला सरजमीन फ़लस्तीन को पायदार अमन अता फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद मरल टाउन में अदा की, मुल्की सलामती तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएँ, फ़लस्तीन और मकबूज़ा कश्मीर के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ। सदर नूलिक मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की, नवाज शरीफ अजीज़ो अकारीब और कारकुनों से ईद भी मिले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने नमाज ईद बहचाई मस्जिद में पढ़ी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इमामत कराई, मुल्क और कौम की तरक्की खुशहाली और सलामती के लिए खसूसी दुआ। जामिया मस्जिद हज़रत दाता गंज बख्श में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, मुफ्ती रमज़ान सियालवी ने इमामत कराई। जामिया नईमिया और मीनार पाकिस्तान में भी नमाज ईद अदा, उलमाए कराम ने कुर्बानी के फ़लसफे की अहमियत पर रोशनी डाली, शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई।
जमियत अहल हदीस पाकिस्तान के जर अहतमाम कुरान और सुन्ना इस्लामिक सेंटर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। सदर पंजाब मौलाना नईमुर रहमान ने कहा, कुर्बानी दिलों में जज्बा एसार और तकवा हासिल करने का जरिया है। फलस्तीनी और कश्मीरी जुल्म और सितम और बर्बरियत के सामने आहनी दीवार की मानिंद खड़े हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीसीओपी बिलाल सदीक मियाना ने नमाज ईद पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में अदा की। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट टू लियाकत अली मलिक की भी शिरकत की गई। बिलाल सदीक मियाना ने शहदाए पुलिस और उनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश किया। ईद पर कुर्बानी की इस्तदात ना रखने वालों का ख्याल रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद, कहा फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की कुर्बानी को याद रखें, आजमाइश और इम्तिहान की सूरतहाल में साबित कदम रहना चाहिए। ईद उल अज़हा हमें अमली ज़िंदगी में कुर्बानी और एसार का दर्स देती है। वफाकी वज़ीर दाखिला महसिन नकवी की ईद की मुबारकबाद, कहा हमें पाकिस्तान की खातिर झूठी अना और ज़ाती मफादात की कुर्बानी देने का अहद करना है। ज़ुबानी जमा खर्च को छोड़कर हकीकत में झूठ और मुनाफ़त की कुर्बानी देना होगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने कहा, ईद पर इन अफराद का ख्याल रखें जो कुर्बानी की इस्तेदाद नहीं रखते। मलिक ज़हीर इकबाल ने कहा, हमें फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों को भी याद रखना है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का ईद उल अज़हा पर पैगाम, कहा हमें ईद पर अपनी ज़रूरतमंद बहन भाइयों को ज़रूर याद रखना चाहिए। ईद उल अज़हा का असल फ़लसफ़ा एसार और कुर्बानी है। महकमा सेहत में करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस को 100% यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफ़ी हुसैन की अहल वतन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दुखी इंसानियत के दुखों का मदावा और खिदमत खल्क ही असल कुर्बानी है। आज इतिहाद के जज्बे से सरशार होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करने के अज़्म का इआदा करना है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ईद उल अज़हा को गज़ा के बच्चों से मनसूब कर दिया, कहा मौजूदा दौर में अहले गज़ा जज्बा इब्राहिमी की जिंदा मिसाल हैं। ईद के मौका पर फलस्तीन बहन भाइयों और बच्चों के लिए खसूसी तौर पर दुआगो हूँ। ईद की खुशियां मुस्तहिक अफराद के साथ मनाने का आज़्म। रुकने असम्बली और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने ब्यूरो के बच्चों के साथ ईद का दिन गुजारा। चेयरपर्सन सारा अहमद ने बच्चों में ईदी और तहाइफ भी तकसीम किए। ईद पर भी मसीहाई में मसरूफ़। वाइस चांसलर फातिमा नजना मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर्स और मरीजों के साथ ईद गुजारी। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने स्टाफ के साथ मिलकर केक भी काटा। गुलशन के तहफ़ की कसम खाने वाले जानबाज ईद पर अपनों से दूर। पाक फ़ौज और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान ईद पर भी फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों ने बॉर्डर पर ईद मनाई। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच का PP 169 में इज्तमाई कुर्बानी सेंटर्स का दौरा। अहमद सलमान बलोच ने मुस्लिम टाउन और भेगेवाल चौक में इंतजामात का जायजा लिया। अहमद सलमान बलोच ने अहले इलाका से ईद भी मिली। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मैंगल की कैंप जेल में कैदियों से मुलाकात हुई। ईद सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। सेंट्रल कंट्रोल रूम, महकमा दाखिला और डीसी ऑफिस का दौरा भी किया। डीसी लाहौर ने शहर भर में इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। शहरियों की सुन्नत इब्राहिमी की पुरअमन माहौल में अदायगी और अमन का क़याम यकीनी बना रहे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आईजी पंजाब का ईद पर पार्कों तफरीही मकामात की सिक्योरिटी के लिए अजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म।
ईद उल अज़हा पर अमन व अमान के लिए लाहौर पुलिस मुतहरिक 6 SPs और 22 STPO समेत 6,000 अहलकार ड्यूटी पर। CCPO बिलाल सदीक मियाना कहते हैं ईद के पुरमसरत मौका पर शहदा के खानदानों के साथ खुशियों में शरीक हैं। ईद पर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने का मिशन। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। DIG ऑपरेशन ने बादशाह मस्जिद, दाता दरबार, नासिर बाग में इंतजामात का जायजा लिया। ड्यूटी पर मौजूद जवानों को ईद की मुबारकबाद भी दी। बड़ी ईद पर ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को बड़ी रियायत। CTO अमर आथर ने कहा ईद के तीनों रोज मामूली खिलाफ वर्जी पर चला नहीं होगा, संगीन खिलाफ वर्जियों पर बदस्तूर कार्रवाई होगी। वन व्हीलिंग, रेसिंग, हुलड़बाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आग का गोला आज भी अंगारे बरसाने में मसरूफ। दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी की वजह से शहरी निढाल हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। और जादू बयां और हर दिल अजीज, तारिक अजीज की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। तारिक अजीज ने रेडियो, टेलीविजन और फिल्म नगरी में बेमिसाल काम किया। उनके मुनफरिद अंदाज मेजबानी ने शौकीन को उनका पुरसितार बनाया।